पित्त के लिए बता देता हूं, पित्त के लिए वेटग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस, और पित्त के साथ यदि कफ और वात भी बढ़ा हुआ है तो लौकी का सूप ले लेना, वेजिटेबल सूप ले लेना अंकुरित। अविपत्ति कर चूर्ण मुक्ता शुक्ति, अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मिला करके दो दो तीन तीन ग्राम सुबह शाम खा लेते हैं, अथवा काम दूधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी आधा आधा ग्राम सौंफ के पानी या एलोवेरा के साथ दे देते हैं। पित्त बढ़ने पर वाटर थेरापी, मड थेरापी, पित्त बढ़ने पर वमन बहुत जरूरी है पित्त की वृद्धि के लिए, और जब हो गई हो और कफ की वृद्धि हो गई हो तो ये वमन, वमेटिंग, वमन जो सुबह कुंजर क्रिया कराते हैं, कुंजर क्रिया कहते हैं, कुंजर कहते हैं हाथी को, अश्वथामा हतो हता नरो वा कुंजरो, आपने सुना होगा। जैसे हाथी अपने सूंड में पानी भर के उसको बाहर एकदम से निकालता है, तो हाथी का अनुसरण करके कुंजर क्रिया की गई, उसका विधान है। तो कुंजर क्रिया बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ यहां आते हैं तो बोलते हैं जी सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो एक दो दिन का ट्रीटमेंट ही बाधित हो गया। सर्दी जुकाम हो गया तो आप लंग बस्ती लो, सर्दी जुकाम हो गया तो थोड़ा नस्से लो, स्टीम लो, सन थेरापी लो, धूप में बैठ के प्राणायाम करो, नस्से के बाद बैठो, और बुखार हो गया तो जर्नाशक क्वाथ, जर्नाशक वटी गिलोय, इंस्टेंट बेनिफिट होता है, बुखार तुरंत उतर जाता है, चिंता मत करो। पित्त बढ़ने पर थोड़ी मात्रा में अनार, थोड़ी मात्रा में सेव, छोटे छोटे उपाय अतिशय लाभ देते हैं। और मैंने आपसे कहा कफ ना भी बढ़ा हुआ हो तो भी ऋतु परिवर्तन के समय नस्य अवश्य करना। वीक में एक बार, मैंने सबको बोला हुआ है, वीक में एक बार कर लो, और जब ऋतु परिवर्तन हो तो एक सप्ताह लगातार कर लो। जैसे मैं सोच रहा था मुझे तो कफ नहीं है, मैंने सुबह ऐसे ही डाल लिया, तो अब ये पता लगा कि ये थोड़ा थोड़ा करके कफ जमा हो जाता है। सप्ताह में एक बार कर लोगे तो जमा नहीं होगा। अब जैसे हमने भूल की लगातार, मैं कहता हूं सप्ताह में एक बार अवश्य करो। कई बार जब महीने में हम एक बार करते हैं तो बहुत निकलेगा, 200-250 ग्राम निकलता है कफ, इतना जमा होता है आपको पता ही नहीं लगता। 200-250, जिसको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे तो नाक एकदम ड्राई है, मेरे तो कुछ नहीं है, जब नस्य करोगे ना आंख से और नाक से, गले से, ऐसा बुरी हालत होगी तुम्हारी, छींक कम छींक रहोगे, कम से कम 10-20 छींक आएंगी, तब तुम्हें पता लगे अरे हम तो मान रहे थे हमें तो कफ है ही नहीं, पित्त नहीं है। पित्त बढ़ने से एसिडिटी नहीं बढ़ती है, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ती है, पित्त बढ़ने से गुस्सा आता है, पित्त बढ़ने से मन अशांत होता है, मन में चंचलता रहती है, पित्त बढ़ने से सारे स्किन रोग होते हैं, फिर उसमें गोधन, अर्क, नीम, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, कायाकल्प, महामंजिष्ठाद्य, खद्रारिष्ट, कायाकल्प क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ, इससे बस्ती भी देते हैं, इसका एनिमा करवाते हैं, इसको फिर कायाकल्प लेप लगाते हैं और एक स्पेसिफिक स्किन डाइट देते हैं, यद्यपि सन थेरापी आदि कराते हैं और उससे सारे चर्म रोग ठीक होते हैं, पित्त बढ़ने से होते हैं। एलोपैथी में कोई पूछे कि चर्म रोगों का कारण क्या है तो बता न सकेंगे, एलोपैथी में पूछे कि कफ रोगों का कारण क्या है बता न सकेंगे।